नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश जनसंसद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति भाटिया रावत। इस वक्त हम हैं देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे 1905 में अंग्रेज़ों ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने इसे यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पे 19 से भी ज़्यादा रिसर्च डिविजन्स हैं, 600 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 250 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर मास्टर्स और PhD जैसी डिग्रियों को हासिल करना बहुत आसान हो गया है। इस इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि ये बहुत ही खूबसूरत शहर के बहुत ही नज़दीक है, यानी कि देहरादून के महज 5 किलोमीटर दूर है। देहरादून हम सब जानते हैं कि अपने आप में ही खूबसूरत शहर है। यहाँ की वादियाँ, उसके आसपास के क्षेत्र बहुत फेमस हैं। मगर दुख की बात यह है कि आज देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, बढ़ते ट्रैफिक और पॉल्यूशन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। जनसंसद में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट्स तो मौजूद हैं ही, साथ में कुछ खास पैनल भी मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। मेरे राइट में आप देख सकते हैं SP सिंह, एक्स वाइस चांसलर हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। जयराज जी, एडिशनल PCCF फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ ही एक्स मेंबर सेक्रेटरी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हैं पदम प्रकाश भोज जी, जो कि वाइस चांसलर हैं FRI यूनिवर्सिटी में, और रमेश अहमा, डीन FRI यूनिवर्सिटी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनसंसद की शुरुआत करते हैं प्रश्नकाल से। आप कुछ पूछना चाहेंगी? आम जनता की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे पर्यावरण के संरक्षण में अपना सहयोग दें जी, क्या उस हमेशा सरकार को ही ब्लेम करते रहना जरूरी नहीं होता ना? बहुत ही बढ़िया सवाल आया है कि क्या सरकार के अलावा आम जनता की जिम्मेदारी नहीं है इस तरह की समस्याओं का हल निकालने के लिए। और सवाल कहीं से जी? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली देहरादून से थोड़ी ही दूर में है एक झील नाम का एक कंजर्वेशन रिजर्व, और हमने वहाँ पे देखा कि कंपनी का एक मिनरल वाटर प्लांट वहाँ पे लगाया गया है, इसलिए वहाँ से वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ के अथॉरिटी, कंजर्वेशन रिजर्व के अथॉरिटी, कैसे एक मिनरल वाटर प्लांट को वहाँ पे अपना इंडस्ट्री बनाने के लिए अनुमति दी। सवाल आ रहा है पानी के मुद्दे से जुड़ा हुआ कि मिनरल वाटर बनाने के लिए उन्होंने अनुमति कैसे दे दी। और कोई मेरे लेफ्ट हैंड साइड से कुछ सवाल? मेरा सवाल यह है कि ग्राउंड या यहाँ जो वाटर का प्रयोग, जल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसके व्यवस्थापन के लिए उचित व्यवस्था मैं नहीं देखता हूँ। यदि इसी तरह से प्रयोग होता रहा तो निश्चित रूप में ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला जाएगा कि इसको हमको यूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या सरकार कुछ व्यवस्थित कार्यक्रम ला रही है? सरकार की पॉलिसी से जुड़ा ये सवाल आया है। और कोई सवाल जी? एक्चुअली जब से देहरादून UP से अलग हुआ है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जिस स्पीड से ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस स्पीड से जो रोड्स हैं उनकी लेंथ और विड्थ तो नहीं बढ़ रही है ना, तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए? यानी कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, रोड वही की वही है और ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है जी। पहला क्वेश्चन ये है कि देहरादून में बहुत से विक्रम चलते हैं जो कि डीजल ऑपरेटेड है, तो उससे जो इमिशंस होता है तो उससे बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए देहरादून में ऐसी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाई जा सकती है क्या, जो CNG पे ऑपरेट हो या LPG पे ऑपरेट हो? दूसरा क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ डून वैली, यानी कि एक साइड में हिमालय है, एक साइड में शिवालिक है, तो ये डून गड्ढे में होता है, तो जो व्हीकल इमिशंस होता है वो थोड़ा वैली में सेटल डाउन होता है, और जब विंटर टाइम में जब ड्यू से वो रिएक्ट होता है, तब ऐसा कोई एसिड रेन जैसा इफेक्ट यहाँ के क्लाइमेट में होता है क्या, ये मुझे एक्सपर्ट से पूछना है। जी जी, सवाल आया है एक तो कि एसिड रेन के बारे में, और दूसरा सवाल आया है कि यहाँ पे CNG जैसी व्यवस्था को क्यों लागू नहीं किया गया है। और कोई सवाल जी? जैसा कि हम जानते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर एक पॉल्यूशन को लेके एक परमिसेबल लिमिट्स बनाया गया है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पे जैसे वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन उस परमिसेबल लिमिट को फॉलो कर रही है? क्या पॉलीथीन जो बैन हो गया यहाँ पे, रैपर जो यूज हो रहा है आज लेज के रूप में या कुरकुरे के फॉर्म में, वो तो बैन नहीं हुआ, लेकिन जनरल जो पॉलीथीन है वो बंद हो गया, तो इससे क्या समस्या वहीं का वहीं नहीं है जी? इनका सवाल बहुत ही उम्दा है। ये पॉलीथीन तो बैन हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पॉलीथीन की ही रैपिंग में आते हैं, क्या उनको बैन करना ज़रूरी नहीं है? और कोई सवाल जी?
मैंने देखा है जब भी मैं बाहर जाती हूँ कि यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है वो सेग्रीगेट नहीं की जाती है, जबकि उसका प्रोविज़न होता है हर जगह पे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे रोड के किनारे किनारे, एक तो वैसे ही सक्रिय रोड्स होती हैं और उनके किनारे किनारे ही कूड़ेदान, जिससे कि आधा कूड़ा रोड पे पड़ा होता है और जो कि स्ट्रे कैटल्स को अट्रैक्ट करता है, उससे बंदर और सांड इस तरह से जो घूम रहे होते हैं वो वहाँ पे आके और ट्रैफिक कंजेशन को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम क्या, इसके लिए सरकार क्या सोल्यूशन सोच रही है? और दूसरा, इन्होंने जो सवाल उठाया था कि जो यहाँ पे पॉलीथीन बैन कर दी गई है, तो पॉलीथीन तो बैन हो गई है पर क्या उसके उसके लिए कोई विकल्प, अभी जैसे सब्ज़ी लेने हम जाते हैं तो कई बार हम ले जाना भूल जाते हैं अपने साथ कोई बैग, तो वहाँ पे क्या वो हमें क्लॉथ बैग या वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं? कई बार ऐसा नहीं होता है। जी जी, दो सवाल यहाँ सामने आए हैं, कि यहाँ पे जो है कूड़े का कोई सही तरीके से संरक्षण नहीं हो पा रहा है, और दूसरा सवाल ये आया है कि जब पॉलीथीन बैन हो गए हैं तो उसका सप्लीमेंट क्यों अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है? और कोई सवाल? जी, अभी इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या देहरादून में वो हो गया या फिर होने के कोई चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे तो साल भर बारिश होती रहती है? जी जी जी, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर सवाल आया है। और सवाल? जी, मेरा सवाल सरकार की रणनीतियों को लेकर है। जिस तरीके से देहरादून में अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है उसके लिए जंगल काटे जा रहे हैं, इससे देहरादून की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो रही है, तो सरकार इसके लिए कोई स्टेप्स क्यों नहीं उठाती? प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए सरकार के क्या कायदे, नियम, क्या पॉलिसीज चल रही हैं, सब ये जानने के लिए यहाँ पे उत्सुक हैं। और कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो रोड का सिस्टम है, अभी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, सिटी के अंदर अभी तक कहीं भी ऐसा कोई स्टेप नहीं गया है, उठाया गया है कि कोई फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का सही हो जाए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी हम यहाँ इधर की तरफ जाते हैं, बिंदाल पुल एक जगह है, वहाँ पे पूरा कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, मतलब बिल्कुल बस्ती के सामने है, लेकिन वो उसका कोई, इन्होंने कोई डिस्चार्ज करने का कोई, मतलब वो या डंप करने का कोई अभी तक वो कदम नहीं उठाया। जी, यहाँ पे दो सवाल सामने आए हैं। पहला ये कि यहाँ का कूड़ा जो है उसे सही तरीके से बायोडिग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा, और दूसरा ये कि जब पता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो फ्लाईओवर जैसी सुविधाओं को क्यों लागू नहीं किया जा रहा? इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनसंसद में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि देहरादून में बढ़ते पोल्यूशन का क्या समाधान है। हम प्रश्नकाल कर चुके हैं, अब वक्त है चर्चा का। चर्चा में हमारे पास बहुत से सवाल हैं। हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे जय राज जी से, जो कि एक्स मेंबर सेक्रेटरी हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। सर, बहुत से सवाल सामने आए हैं कि प्रशासन क्या कर रही है इस पोल्यूशन जैसी समस्या से जूझने के लिए। देखिए, जो सवाल अभी उठाए गए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन हैं, और मैं खुद ही ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम 60-70s की बात करें तो उस समय देहरादून एक नो फैन स्टेशन के नाम से बड़ा मशहूर था पूरे देश में, पर आज यहाँ की जो आबो हवा है वाकई में काफ़ी हद तक ऐसी हो गई है कि फ़ैन तो क्या इसी के बिना भी काम नहीं चलता है। तो जितनी बातें बताई गई, जितने सवाल उठाए गए, काफ़ी हद तक ये बात जेन्युइन है, पर ऐसा नहीं कि सरकार जो है बिल्कुल आंखें मूंदे है इसकी तरफ। जैसे बात कही जा रही है कि साहब वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रही है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए देहरादून में अब कुछ कमर कसी गई है, और यहाँ पर एक साइट आइडेंटिफाई कर ली गई है शहर से थोड़ा बाहर, जहाँ पर पूरा वेस्ट मैनेजमेंट की जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह उसको लाया जा रहा है, तो उसकी एक तैयारी की गई है और मुझे उम्मीद है जल्दी वो एक्टिवेट होगी। अब डोर टू डोर कलेक्शन भी देहरादून में शुरू हो गया है। अगर जो लोग यहाँ रहते हैं उनको इस बात को उन्होंने नोट किया होगा कि अब एक गाड़ी आती है सवेरे सवेरे, वो आपके यहाँ से कूड़ा उठा के ले जाती है। तो ये एक्चुअली म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ कर रहे हैं, बट ये बात भी माननी पड़ेगी कि जिस पेस से होना चाहिए वाकई में उस पेस से नहीं हो रहा है। पॉलीथीन की जो बात कही गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं कि 40 माइक्रोन और उससे बिलो कि पॉलीथीन का यूज़ पूरे इंडिया में बैन है, और वो उत्तराखंड में भी लागू होता है। पर स्टेट गवर्नमेंट एक अपनी पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है कि क्यों ना पूरी तरह से पॉलीथीन को बैन किया जाए। अब जैसे ये कहा गया है कि साहब पॉलीथीन के बैग्स अगर बैन करेंगे और ये जो चिप्स है और ये सब नहीं करेंगे तो कैसे होगा, बट समझना ये भी कि ओवरनाइट बहुत ड्रास्टिक अगर कोई हमने लॉज को लगा दिया तो वो भी अपने आप में इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है।
तो अगर आप पॉलीथीन बैग्स को देखें तो मेनली कैरी बैग्स बहुत बड़ा न्यूसेंस कर रहे हैं। हर कोई जाता है, कैरी बैग उठाता है, उसको फेंक देता है। तो उस पर गवर्नमेंट ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है। स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बनाने जा रही है इसमें, और बहुत जल्दी वो लॉ आ जाएगा, और ग्रेजुअली फेजेज में और भी पॉलीथीन और भी उसको बैन किया जाएगा। अब रही बात है कि साहब वो हमें क्या मिलेगा अगर हम नहीं गए, झोला लेके नहीं गए। अब देखिए ऐसा है कि सरकार की तरफ हर चीज़ का समाधान देखना ये बात कुछ ठीक नहीं है। हम पर्यावरण के लिए हम सभी उतने ही उत्तरदायी हैं, कॉमन सिटीजन भी उत्तरदायी है, तो क्यों ना हम अपना, हम पहले भी तो चलते थे बैग लेकर के। और दूसरी बात ये व्यवस्था भी है कि अगर आप प्रॉपरली पे करें 5 रुपया 7 रुपया जो भी उसका रेट है, तो दुकान वाला आपको बैग ऑन प्राइस देगा। ये चीज़ अब देहरादून में देखने में आ रही है। जी जी जी। बहुत सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कई स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि यहाँ पे बायोडिग्रेडेबिलिटी नहीं हो पा रही है, जैसे सर ने कहा कि हर डोर टू डोर आज वैन आ रही है कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये शहर मशहूर था एजुकेशन सेंटर के लिए। इसमें आप ये देखते हैं कि सबसे बढ़िया स्कूल जो हिंदुस्तान में हैं वो यहाँ पर थे। इसी तरह ये स्कूल शहर मशहूर है, इसमें लगभग 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। ऑल ऑफ ए सडन जो एक्सपेंशन हुआ, तो उसका जो कारण है वो तो है, वो कारण किसी के कंट्रोल में नहीं। कोई राजधानी बनेगी तो लोग आके रहेंगे, सैलानी भी आएंगे। पीछे आपको पहाड़ों पे मसूरी नज़र आता है, उसमें भी लोग आएंगे। राजा जी नेशनल पार्क पास है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, तो हर तरह का टूरिज़्म जो है यहाँ पर होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों की जिम्मेदारी है वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें मेरे हिसाब में प्रयास किया जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ फ़र्क पड़ा है पहले से, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा और समय लगेगा। और मेरे कुछ विद्यार्थियों ने एक ये प्रश्न उठाया था यहाँ के वनों के बारे में, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए देहरादून से मेरा नाता लगभग 30 साल का है, जब इन बच्चों की तरह मैं भी यहाँ विद्यार्थी था अफसर बनने से पहले। इस सिटी की एक करेक्टरिस्टिक है कि इसमें पब्लिक स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, कोई पार्क्स नहीं है, इस तरह से नहीं है। इस कारण ये कारण शायद ये रहा होगा कि हर एक के पास कम से कम 800-900 गज ज़मीन थी। अब आज वो स्थिति रह नहीं सकती क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, ज़मीन के भाव बढ़ गए हैं। तो सरकार को एक ध्यान और भी देना पड़ेगा जो पब्लिक स्पेसेस पे के ऊपर क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसका भी आफ्टर ऑल इफेक्ट पड़ता है। मेरे साथियों ने, बच्चों ने बताया कि एकदम व्हीकल बहुत बढ़ गए। अब एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आप सड़कें चौड़ी करेंगे तो उससे पॉल्यूशन कम होगा, उससे स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं कम होंगी, आपको मेडिकल पे कम खर्चा करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, सारी चीज़ें होंगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, वो भी एक पॉल्यूशन है एक तरह से। मेरे हिसाब से सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन जनता को भी साथ देना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। जी जी जी। सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, हमने कहा कि इंडिविजुअल को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, उनको भी जानना चाहिए कि वो अपने पर्यावरण के लिए खुद भी जागरूक हों, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी ठोस पॉलिसीज आनी चाहिए? जैसे इन्होंने कहा कि CNG किट यहाँ लगाएं या डीजल को कम जलाएं, आपको नहीं लगता कि इस पर भी कुछ काम करना चाहिए? हम भारतीय लोगों ने मेरे ख्याल से कोई शहर नहीं बनाया। अगर आप देखें तो जो दिल्ली था वो लिट्टन का बनाया हुआ था, एक फ्रेंच था जो अच्छे शहर हैं वो चंडीगढ़ एक फ्रेंच था, उसका कंट्रीब्यूशन था। नैनीताल यूज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। हमने सिर्फ बिगाड़ा है और हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जो जनता है उसकी भी सेंसिटिविटी बड़ी लो लेवल की है। जैसे मैं इन बच्चों ने बातें की अभी कि सड़क, किसी ने ये नहीं कहा मुझे पैदल चलने की जगह चाहिए, किसी ने नहीं कहा कि साइकिल को क्यों नहीं रेस्टोर किया जाए, जो पोल्यूशन से सीधे सीधे रिलेटेड है। ये सब जो है हेल्थ से रिलेटेड है, ओबेसिटी जो बड़े बड़े शहरों की प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ तक देहरादून का सवाल है, मेरे ख्याल से इंडिया के अवार्ड में कोई सिटी शायद कंपेयर नहीं कर सकता था द काइंड ऑफ नेचर इट हैज़। दो रिवर्स अगल बगल में हैं, आप फील कर दोगे, माउंटेन्स में भी जा सकते हो। हम कुछ इस तरह सोचना चाहता कि कैन वी मेक द बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से पोटेंशियली सब कुछ था। मैंने कभी डेवलप कंट्रीज़ को ऐसी बात सुना नहीं कि वो कहें कि हम पॉलिथीन बंद करने जा रहे हैं। दे रिसाइकिल, लोग कहते हैं ट्रैश को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इट कैन बी गोल्ड ऑल्सो, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये भी क्लियर नहीं है कि जो पेपर है उसकी एनर्जी प्रोफाइलिंग, पॉल्यूशन प्रोफाइलिंग बेटर है, ख़राब है देन पॉलीथीन, ये भी क्लियर नहीं है। ये सब प्रोसेसेस सोचने की बात थी, प्लान करने की बात थी। जी जी, कहीं ना कहीं सर बता रहे हैं कि यहाँ पे प्लानिंग की कमी है, प्लानिंग को एक बार रीमॉड्यूल करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि यहाँ की जनजीवन को हम और आसान और खूबसूरत बना सकें। रमेश सर, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे प्लानिंग की कमी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, बच्चे कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे रोड्स उतनी ही हैं, आपको नहीं लगता कि इस पे भी कुछ सरकार को काम करना चाहिए?
ट्रैफिक तो बढ़ना, जनसंख्या बढ़ रही है तो एक सामान्य सी बात है, उसके लिए हमें शायद सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे भी चलाया जाए, एक सोशल कॉस्ट बियर करना पड़ेगा सरकार को, जो अच्छे फ्यूल लाइक CNG पे चलाया जाए और लोगों को आने जाने में अपनी गाड़ी से बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगे। आए दिन देख लिए बच्चे स्कूल जाना है तो स्कूटी स्कूटर मोटरसाइकिल यूज करते हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बात हो रही है कि इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोल्यूशन जैसी समस्याओं से जूझने के लिए, उसको उसका समाधान निकालने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और करेंगे समाधान। देखते रहिए जनसंसद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनसंसद में। आज हम FRI में ये बात कर रहे हैं कि देहरादून में बढ़ते पोल्यूशन का क्या समाधान है। हम प्रश्नकाल कर चुके हैं, अब वक्त है चर्चा का। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, चर्चा भी हो चुकी है। अब मैं स्टूडेंट से ही जानना चाहूंगी कि वो क्या समाधान सोचते हैं कि पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम से हम कैसे निपट सकते हैं। क्या लगता है, जैसे हमने बात की कि इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ह्यूमन ग्राउंड पे आप निभा सकते हैं, बताइए जी। आज की डेट में देहरादून में बहुत सारे अनगिनत कॉलेज जगह जगह खुल चुके हैं और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है, और वो सब बच्चे अपने कंफर्ट लेवल को देखते हुए बाइक स्कूटी इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट होने के नाते उन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए पॉल्यूशन को लेके, और अगर ऐसा हो जाए सिस्टम कॉलेजेस में कि सारे बच्चे अपनी प्राइवेट व्हीकल के जगह अगर कॉलेज की बसेस में आना प्रेफर करें तो उससे पॉल्यूशन कम हो सकता है। जी, बहुत ही अच्छा एक सजेशन आया है कि अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल्स को इस्तेमाल ना करके या उसे कम इस्तेमाल करके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या फिर कॉलेज की ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें तो शायद पॉल्यूशन जैसी समस्या से हम बच सकते हैं। और कोई सजेशन जी? मैम, जैसे कि जो देहरादून है ये एक अपने आप में एक पर्यटक स्थल भी है और इसमें बहुत सी जगहें हैं जो कि पर्यटक स्थल के रूप में हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो अक्सर यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं तो बहुत सी जगहों में भ्रमण करते हैं, पर जो उनकी चीज़ें होती हैं जैसे वो लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं या फिर जो रैपर्स होते हैं वो यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं, तो उससे ही जो एक मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए उनको भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि हम एज ए टूरिस्ट हैं तो हमें अपना ये सब ध्यान भी देना चाहिए क्योंकि हमारा नेशन है और जिस जगह को हमें स्वच्छ रखने में सहयोग भी देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, एक टूरिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो अपने घर को साफ रखता है तो उस जगह को साफ ज़रूर रखे जहाँ वो घूमने जाना पसंद करता है। और कोई सजेशन? हम स्कूल डे से एक प्रतिज्ञा करते आ रहे हैं कि भारत मेरा देश है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को मेरा कहते हैं, जैसे मेरा घर मेरी गाड़ी, तो हम उसे इतना केयर करते हैं उसकी, उसी तरह से हर एक बंदे को अपने ये सब मेरा, ये शहर मेरा है, ऐसे करके जब वो चीज़ों को देखेगा अपने आजू बाजू में तभी सही तरह से प्रदूषण कंट्रोल में आ सकता है। जब ये सोचेगा ये कूड़ा पड़ा है ये मेरे घर जैसा ही है, इसके लिए मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे भी अवेयरनेस में पार्ट लेना होगा, तभी ये पोल्यूशन कम हो सकता है। यानी कि अपनी जिम्मेदारी मेरा समझ के कि ये मेरा देश है मेरा घर है उसे साफ रखना है स्वच्छ रखना है तभी इस तरह की समस्याओं से समाधान मिल सकता है। आप कुछ कहना चाह रही थी? हम लोग जैसे यहाँ बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स या टूरिस्ट या सिर्फ उन्हें ही नहीं इस बारे में सोचना चाहिए, इवन जो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पदासीन हैं यहाँ उन्हें भी सोचना चाहिए। सर फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जैसे होता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज़ में इवन जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं वो भी अपनी कार्स को पार्किंग लॉट्स में पार्क करके दे यूज़ बाइसिकल्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो भी वर्किंग कैंपसेज हैं इंडिया में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक की नहीं मतलब मोस्टली, तो इन चीज़ों को हमारे यहाँ भी लागू करना चाहिए। जी, जी, जी। और एक और बात हुई थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे हम, तो उस पर मैं कहूँगी कि अगर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट करके और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इंसिनरेट करने के बाद उससे जो एनर्जी रिलीज होती है अगर उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाए तो पूरे देहरादून में इतना वेस्ट जनरेट होता है कि सिर्फ उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है पूरे देहरादून में, जिससे हमें हमारे हाइड्रल पावर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ वन नेचुरल रिसोर्स एंड यूज ऑफ अ वेस्ट, वहाँ पर ये चीज़ हो। राज्य सर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस तरह से इस मुहिम में साथ दे रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लॉज बहुत अच्छे बने जी, पॉल्यूशन के हर एस्पेक्ट पे, चाहे आप एयर की बात करें चाहे आप वाटर की बात करें चाहे आप साउंड पॉल्यूशन की बात करें, हर तरह के लॉज इतने अच्छे बने हुए हैं कि अगर आप पढ़ें तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो काफ़ी बड़ा गैप है उसमें जी।
तो मेरा ये सोचना है कि इस फील्ड में अभी बड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है अगर हम लोग लॉज को लागू कर दें। देखिए जब मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देख रहा था तो जो नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटीज की जो जिम्मेदारियां थी सॉलिड वेस्ट की, जब हमने उनको समझाया बताया वो नहीं माने तो हमने उत्तराखंड में 12 म्यूनिसिपैलिटीज को प्रोसिक्यूट कर दिया। तो लॉ एक मैकेनिज्म है, लॉ अपने आप में पर्याप्त नहीं है, सारे तरीके हमारे पास है, लोगों को समझाना भी है, बुझाना भी है, साथ लेके भी चलना है, पर सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई सुधरता नहीं है तो फिर हमारा जो कानून है वो दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा इसका बड़ा फर्क पड़ता है जी, यानी कि कड़ा कानून कहीं ना कहीं लागू करना और उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत सर आप क्या कहना चाहेंगे, पॉलिसीज हैं लेकिन एक गैप है, वो उस गैप को किस तरह से कम किया जा सकता है? मैं जयराज से सहमत हूँ इस बारे में। मेरे लिए जो सोच है मेरी, तीन पॉइंट्स हैं, तीन मुद्दे हैं जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो है, मैं फिर दोबारा ये कहूँगा संयम, अब उसको मैं ये कहूँगा सोशल इंजीनियरिंग। जैसे कि बच्चों ने भी कहा कि कुछ बलिदान हमें देना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं अफ्लुएंट हूँ तो मैं चार कारें रखूँ, ये एक एग्जाम्पल है। तो सोशल इंजीनियरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग यूजर्स ऑफ वाटर एंड रिसोर्स एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जस्ट जयराजी मेड, यू नो आई थिंक रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ विच इज़ प्रेटी वीक हेयर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज माई कलीग डॉक्टर एस पी सिंह सेड। यू नो आई विल से दैट वी आर मैच्योरिंग डेमोक्रेसी, यू नो कुछ फ़र्क पड़ा है जहाँ पर एजुकेशन आ गई है। और तीसरा मैं कहूँगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैं अपने कैंपस के एग्जांपल देता हूँ कि हमारा ये 1600 एकड़ का कैंपस है और इसमें लगभग 29 किलोमीटर रोड है इसके अंदर। हमारी ये सोच है कि अगर हम बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ इसमें चलाएँ तो काफ़ी पोल्यूशन कम हो जाएगा। मेरे को आज मेरे एक साथी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर एक स्कीम दी है सब्सिडी के साथ, रिक्शा जो होते हैं वो भी इस बैटरी से चालित हैं, तो उस तरह के रिक्शा कुछ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मेरे ख्याल बहुत अच्छा ये एक कदम है। और ये साथ साथ इसके जो है एक ध्यान वर रखना चाहिए कि इसकी अवेयरनेस जो है और बढ़ानी चाहिए, लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसे बताना चाहिए। मेरे साथी विद्यार्थी ये बता रहे हैं, इस तरह हर एक नागरिक जो है उसको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। रमेश सर, जैसे इन्होंने कहा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जागरूक करना बहुत ज़रूरी, आपको क्या लगता है कितनी हद तक ये बात सही है और किस तरह से किया जा सकता है? हाँ, ये तो बिल्कुल 100% सही है। बिना जागरूकता सरकार कितनी भी स्कीमें लाए, कितने भी कानून लाए, तो उसका कोई मकसद नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। पूरे देश में इस वक्त भी पानी का हाहाकार मचा हुआ, महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, देहरादून में भी जो पानी 3 महीने या 6 महीने में आता था वो 10 दिन में ही आ जाता, भले ही बराबर मात्रा में आता हो। तो हमें अभी से सोच विचार करके कि इस पानी को भी हमारे यहाँ भी ऐसा ना हो कि कैसे हम इकट्ठा करें। एक चीज़ जनसंख्या के कारण जो हो रही है देहरादून में, जितने भी हमारे वाटर बॉडीज थे, तालाब थे, कहीं पे पानी खड़ा रहता था, पहले तो हमने बोला मच्छर उठते हैं तो जो इसको किसी तरीके से बंद करो, बंद अभी किया नहीं तो उस पर मकान खड़े हो गए, दुकानें खड़ी हो गई, या अब तो मॉल बनने लग गए। तो उससे क्या होता, जो ये पानी था ये ज़मीन को रिचार्ज करता था। तो जो पुराने लोग थे जिन्होंने भी मैनेजमेंट प्लान देखा था या बनाया था या वो उसको दूसरी नज़रे से देखते थे, हमने उसको एक ख़राब चीज़ देख के बंद कर दिया। तो ये हमें वाटर बॉडीज कहीं ना कहीं फिर से मेंटेन करनी पड़ेगी। और दूसरा, जब भी कोई घर बनता है नया तो एक म्यूनसिपैलिटी से मैप पास कराना पड़ता, तो उसमें मैंडेटरी होना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर साथ के साथ बने, तभी वो पास हो जाए। तो अगर हम ज़मीन को रिचार्ज ना करें तो हमारी फसलें, देहरादून की बासमती बहुत मशहूर हुआ करती थी या बाकी चीज़ें, लीची के बगीचे होते थे, तो ये सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब पानी बहुत नीचे चला जाएगा ये जो वनस्पति है ये अपना रूप बदल देगी। आज की चर्चा में जो बात सबसे ज़्यादा सामने आई है वो ये है कि सरकार को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, एक नागरिक को एज एन इंडिविजुअल जागरूक होना ज़रूरी है, यहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं उस पर अमल किया जाना चाहिए। देहरादून बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसकी अपनी धरोहर है, जिसे बचाए रखना आज सरकार का ही नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल का, एक मानव का, यहाँ के रहने वालों का भी अधिकार है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगले जनसंसद में फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।